तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि सब अपने अपने ज़िंदगी में मस्त हैं। और गाइस, इधर हम लोग खेल रहे हैं स्क्वाड, ओके। और जो टीममेट्स हैं मेरे, ये अपने ही क्लैन के हैं, जो हजार क्लैन है। और इधर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जाना किधर है, ओके। तो सीज़न एंड है, विद इन 4 to 5 days सीज़न एंड हो जाएगा, सीज़न 8। तो हमें खेलना था रश, क्योंकि हमें कंटेंट बनाना था ना यार। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलते हैं नोवो। और नोवो में लगभग 3 या 2 स्क्वाड हैं, उतना ज़्यादा नहीं। इधर हम लोग देखिए कैसे हम लोग हैंडल कर पाते हैं कंटेनर फाइट। मिनी गन वर्क लैंड आ थ्रो टू नॉक बनी नंद जूता तो भाई, जो स्क्वाड उतरा था हमारे उतरने के बाद, जब मुझे स्कारल मिल गया तब एक स्क्वाड ने एंट्री मारा। तो उन लोग को तो आपने देखा हम लोग ने क्या किया, क्योंकि बेचारे उनके पास गन भी नहीं था ऊपर से। तो उनके साथ बहुत ही बहुत बहुत गलत सीन हो गया, जो हमारे साथ पहले होता था। इसलिए हम लोग ज़्यादा कंटेनर फाइट नहीं लेते, हम लोग पहले लूट करते हैं, बाद में बंदे को रश और पेलते हैं आराम से। Enemies ahead. तो भाई लोग, इसे कहते हैं स्पॉटिंग। तो बंदा, मतलब उसे उसे ये नहीं लग रहा था कि हाँ मुझे कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन अपने अपने पास तो मतलब तीसरी आंख है, हम लोग तो आराम से हम लोग स्पॉट कर लेंगे, ओके। तो उस बंदे का मतलब गलत थी ये सीन हो गया उसके साथ। उसे लगा कि ऊपर जाके हाँ बंदे को अपने टीममेट्स को ये देंगे लोकेशन दूसरे एनिमीज के बारे में, और नॉक करके पूरा एकदम फिनिश कर देंगे। कंटेनर स्टोन यू गाइस जंपिंग ऑफ कंफ्यूज मी Enemies ahead. Ah, no, stay. Dead. Chetan, ele deu. तो भाई, जैसे ही मेरे टीममेट ने बोला कि इधर एनिमी है, तो मैं सोचा कि हाँ दो एनिमी होगा, तो एक को नॉक कर देते हैं। जैसे कि एक आपने देखा मेरे सामने आ था वो, तो उसे मारने के चक्कर में मैं गया थोड़ा बाहर, और बाद में देखा कि दो बंदे खड़े हैं जो कि राइट साइड में थे। तो उन लोग को देख के मतलब मैं बिल्कुल फट गई, ओके। तो मेरे को पता था कि नॉक होने वाला हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मतलब फिनिश ना कर दे ये लोग। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, और मतलब भगवान नहीं, मेरे टीममेट ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, और उन्होंने इनको बिजी बिजी कर दिया, मतलब
फिनिश ना कर पाए, जैसे इनको मतलब क्या बोल सकते हैं, तो मेरे बंदे ने इनको किया डिस्ट्रैक्ट, और मतलब ये लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, और मेरे को टाइम मिल गया था कवर में जाने का। तो ऐसे होता थोड़ा टीम वर्क। तो भाई ये क्या था, मैं शांति से मैं गाड़ी को मैं लेने जा रहा था। गाड़ी को लेने मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं भी मैं गाड़ी लेने जा रहा था। ओके, दाजिया उधर खड़ी थी गैरेज में, मैं आराम से मैं ले रहा था, लेकिन नहीं, बंदे को क्या करना था, मेरे को मतलब नॉक करने का वो प्लान में था एक्चुअली, लेकिन मैं नॉक नहीं हो पाता। ऊपर से बंदा वो ओपन से मेरे को मार रहा था, तो कवर में आया, तो कवर आने से पहले मैं हील किया, हील करने के बाद मैं उस पे एडीएस डाल के मैं बैठ गया। अब तू पिक कर बेटा, जैसे ही तू पिक करेगा तू जाएगा, और ऐसा ही हुआ, वो नॉक हुआ। तो भाई इधर मैं सोचा कि मतलब ऐसे टीपीपी लेने से कोई कुछ होगा नहीं, कुछ उखड़ेगा नहीं, तो मैं सोचा कि हाँ फ्लैंक मारते हैं, लेकिन मैं बंदे ने मेरे को ही डरा दिया। ओके, तो इधर नंबर टू उस तरफ से फायरिंग कर रहा था, मेरे को लगा हमारे टीममेट पूरे राइट में चले गए, लेकिन उसने कुछ शॉट्स लगाए, तो मेरे को लगा कि हाँ उधर एनिमी है करके, मैं नीचे उतर गया मैं डर के मारे। तो इधर मैं मारने जा रहा हूँ, फ्लैंक तो नहीं बोल सकते हैं, रश मारने वाला हूँ। ओके, तो मेरे को इधर एक बंदा दिखा था ब्लू, जो ब्लू कलर का अभी जो हट था ना, उधर मेरे को एक दिखा था, तो मैंने गाड़ी को इधर से मैंने पास किया, और बंदे इधर हम लोग को मिले, तो मैं गया थोड़ा लेफ्ट में, और कवर के पीछे मैं रोक दिया और आगे। पेस्ट बैकअप पिक ओह वाओ वन सेकंड क्या यार, थ्रो 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 बंद रहा। I'm going now. Okay, then need move first. I'm taking left. Oh, go in left. Oh, they can pull. तो भाई इधर पे क्या होता है कि हमारा जो बंदा था नंबर 4, तो बेचारा नॉक हो जाता है, क्योंकि मतलब एनिमी टेरेस के ऊपर था, और मतलब हार्ड टीपीपी ले रहा था, तो आपको पता है ना हार्ड टीपीपी, तो मतलब जैसे ही वो देखता है हम लोग को, तो डायरेक्ट मार के फिनिश कर देगा वो। और मतलब एनिमी मतलब उतना बेवकूफ़ था कि वो हमारे दूसरे बंदे पर वो फोकस नहीं किया, वो फोकस किया फिनिश करने में, तो उसके कारण मतलब जैसे ही वो फिनिश किया उसे, तो हमारे एक बंदे ने उसे पेल दिया। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अगर मैं एनिमी के स्पॉट पे होता ना, तो मैं नॉक करके मैं छोड़ता, और बाद में मैं दूसरे एनिमी पर मैं फोकस करता। तो भाई इधर पे एक टिप मैं देना चाहता हूँ, और वो है कि जब भी आप स्क्वाड हाउस या किसी घर पे आप रश मारो, तो पहले आप थ्रोएबल से मतलब
बारिश कर दो ओके, ताकि वो लोग पैनिक हो जाएं और पोजीशन होल्ड ना ले ना पाए पोजीशन, क्योंकि अगर वो लोग पोजीशन ले लेंगे ना तो एक बंदा एक कॉर्नर में रहेगा, एक बंदा वो दूसरे कॉर्नर में। जैसे ही आप जाओगे ना एक पर फोकस करोगे, दूसरे कोने से आपको नॉक और फिनिश भी कर देगा। तो एक मेरे तरफ से एक कॉमन टिप समझ लो। तो भाई इधर एक हम लोग तो इधर पोजीशन होल्ड कर रहे थे, लेकिन एक स्क्वाड के साथ तो बहुत ही गलत सीन हो गया। तो इनका ये गलती था कि ये लोग गाड़ी सीधा चला रहे थे ओके। जब भी आप पे शॉट्स पड़े ना, आप गाड़ी को आप क्रिस क्रॉस मतलब लेफ्ट और राइट आप लोग घुमाते आप लोग जाओ और बूस्ट कर लेना, बूस्ट दबा के गाड़ी चलाना ओके। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादातर शॉट्स आपको कनेक्ट, आपका लो एचपी हो जाएगा लेकिन आप नॉक होने का कम चांसेस हो जाता है। तो ये लोग एकदम स्ट्रेट गए और मैं स्प्रे ड्राइवर के ऊपर या एग्जैक्टली मैं पर्सन के ऊपर मैं कर रहा था तो नॉक हो गए। तो भाई इधर पे एक बहुत ही गलत सीन हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, जो बाना उसके ऊपर जो बंदा था जिसके पास M249 था, पता नहीं उसे मिर्गी का दौड़ा आ जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है, वो कंटिन्यूसली शूट करते जा रहा था। तो इधर मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि मेरा नेट वेट तो नहीं चला गया, क्योंकि जब नेट वगैरह या लैग होता है आपका पिंग बहुत हाई हो जाता है तो ऐसा ही होता है, कंटिन्यूस फायरिंग होता है। तो मेरे को ऐसा ही कुछ लगा। तो तो भाई हमारे ऊपर तो जोन था नहीं, हमें जोन में घुसना था। तो इधर एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप पे जोन ना हो ना तो आप जोन के सेंटर से आप गाड़ी मत लेके जाओ। यदि थोड़ा राइट से जाओ, नहीं तो पूरा सर्कल एकदम बाउंड्री से आप लोग लो, सीधा से कभी मत आप लोग जाना, क्योंकि अगर एनिमी सामने हो तो मतलब आप पे इतना गंदा स्प्रे देंगे ना कि आप गाड़ी में मर जाओगे, नहीं तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगा। Another one there, better. One sec.
तो भाई इधर मेरे से एक गलती हो जाता है, मैं अपना स्कोप मैं ऑन नहीं करता हूँ, उस पर एडीएस नहीं डालता हूँ और क्रॉस हेड से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उल्टा मैं ही नॉक हो जाता हूँ। लेकिन इधर पे एक बंदा क्या किया कि खिड़की के पीछे वो उतर गया। और इस टाइम पे आप लोग को एनिमीज़ का पोजिशन अगर आपको पता है तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो मैं बंदे को तो एनिमीज़ का पोजीशन उसे नहीं पता, उसे लगा कि वो पीछे नीचे कूद गया, लेकिन वो ऊपर ही था, हाइट एडवांटेज होल्ड कर रहा था। तो ऐसे आप स्पॉटिंग आपको करना है और आप अपने टीममेट्स को आप बोलो, ओके, कि एनिमीज़ वगैरह कहाँ है। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो आप शेयर कर लो अपने कोई ग्रुप में या अपने फ्रेंड के साथ, तो इससे मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगा, चैनल को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Dream catcher.